सो व्हाट्सअप का वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग, मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बेस्ट सेंसिटिविटी के बारे में बताया था कि आप अपने जो गेम को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, और उसके साथ ही साथ मैंने कस्टम मोड के बारे में बताया था किस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो उसमें मैंने पूछा था कि भाई अगर आप लोग बताओगे तो मैं यहाँ पर से टॉप 5 जो प्रो कॉस्ट्यूम होता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सभी लोगों ने मेरे ख्याल से अगर 100 बंदे ने कमेंट किया, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए 100% में से 80% लोगों ने बताया कि हाँ भाई कॉस्ट्यूम वाला वीडियो ला लो और हम लोगों को वो मतलब बता दो कि मतलब बेस्ट कॉस्ट्यूम किस तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो फाइनली आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जो प्रो वाला जो कॉस्ट्यूम होता है वो किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जिससे आपको मतलब आपका जो लुक है बिल्कुल स्टैंडर्ड दिखा, देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक से लगे। तो ज़्यादा बात को लम्बा करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट, ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करने लाइक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर से ले लिया एंड्रो का जो करेक्टर होता है ये ले लिया, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंड से मतलब सीधा रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से बात करने वाले हैं रेड हेयर के बारे में। अगर आपके पास रेड हेयर नहीं है तो सॉरी, आप दूसरा हेयर यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ बात करने वाला हूँ रेड हेयर के बारे में। तो रेड हेयर का कॉम्बिनेशन हम करने वाले हैं। फर्स्ट में आपको लेना है रेड हेयर, आपके पास है बहुत सारे लोगों के पास है। उसके बाद आपको यहाँ से गॉगल ले लेना है। अगर नहीं है आपके पास तो गॉगल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपको मैं बात करने आपसे ड्रेस की, तो आपको ऊपर का जो होता है कॉस्ट्यूम की बात करते हैं, यहाँ से आपको ये स्टाइलिश वाला जो आपको मतलब शर्ट मिलता है ये वाला टी शर्ट और शर्ट वाला, ये आप में जो हेयर रेड हेयर के साथ आपको ये अगर इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो बिल्कुल ही तगड़ा और परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो गई ड्रेस की बात, आप बात करिए यहाँ से पैंट की। तो पैंट आपको सिंपल सा पैंट लेना जो देखने में थोड़ा सा अलग लगे, बिल्कुल सिंपल सा यहाँ से आपको पैंट लेना। तो यहाँ से आपको ब्लैक टाइप का पैंट लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के कि यहाँ पर के लिए आपको कौन सा जो पेंट होता है, यानी कि नीचे वाला वो आपको जो है परफेक्ट होता है। तो ये वाला पेंट मैं आपको जो बता सजेस्ट करने वाला हूँ ये आपको सभी को मिला है, फ्री में मिला था जो कुछ इवेंट में। तो आप देख सकते हैं ये वाला पेंट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो मतलब लुक है बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। रेड हेयर के साथ रेड शर्ट और टी शर्ट यहाँ पर से कॉम्बिनेशन हो गया। उसका तो यहाँ से मैंने जींस लगा लिया, बट यहाँ से शू का कॉम्बिनेशन जब करना है शू का कलेक्शन, तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है। तो यहाँ से ब्लैक के साथ अगर आप व्हाइट शू लगाते हैं तो बहुत ही धांसू होता है। आप देख सकते हैं ब्लैक आपको जींस आपका ब्लैक है और शूज आपका बिल्कुल व्हाइट है, तो मतलब बिल्कुल शाइनिंग स्काला हो गया। बीच में व्हाइट, ऊपर में रेड, बीच में रेड, फिर बीच में व्हाइट, ऐसे नीचे में आपका व्हाइट और पैंट जो आपको ब्लैक हो गया। तो ब्लैक के साथ व्हाइट कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है। तो यहाँ से आप देख सकते कुछ इसका लुक जो है इस तरीके से दिखता है। तो ये एक मतलब बेस्ट सेट आपको मतलब कॉस्ट्यूम मिल जाती है कॉम्बिनेशन के लिए। अगर आप मतलब टोटल चीज़ को मैनेज करके करते हुए रखना चाहते हो, बिल्कुल ही अपने को स्टैंडर्ड लुक देना चाहते हैं, यहाँ से आपके आपको जो कैरेक्टर है बिल्कुल ही अच्छा और बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर 2 की। तो यहाँ से मैंने फिर से ले लिया यहाँ पर से एंड्रो का कैरेक्टर, सिंपली आपको ब्लैक ले लेता है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हम ले लेते हैं यहाँ से जो हम मेरा जो अभी मिला ही ये जो इनक्यूबेटर में मिला है, सबको लगभग मिला, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लिया है क्योंकि यहाँ पर से हम लोग जो ब्लू प्रिंट वो बिल्कुल डिफरेंट फ्री में मिला है। तो यहाँ से आपको हेयर स्टाइल ये वाला लेना, उसके साथ में आपको जो है ये हैंडकरचीफ आपको मुँह पर लगा लेना है, ठीक है। तो इससे आपको ऊपर का लुक जो बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसके बाद के लिए हम लोग शर्ट की, तो यहाँ से आपको जैकेट लेना है। यहाँ पर से आपको मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप ये वाला ले सकते हैं क्योंकि ये वाला जो है इसके साथ ही आया था। तो सिंपल आपको मतलब टोटल बॉडी और यहाँ पर से जो आपका हेयर स्टाइल है सेम उसी चीज़ का है इनक्यूबेटर जो हम लोग को मिला है। और यहाँ से आपको फेस की बात करें तो मुँह पर आपको मास्क ये वाला लगाना और नीचे में आपको ये वाला पैंट लगा लेना। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो आपका लुक है बिल्कुल ही स्टैंडर्ड देखने में लगता है। उसके बाद के लिए शू की, तो शू आपको हाफ शू लेना है। यहाँ पर से आपको बहुत सारे शू फुल शू का कलेक्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको फुल शू नहीं, यहाँ से आपको हाफ शू लेना है क्योंकि फुल शू अगर आप लगाते हो देखने बिल्कुल ही भद्दा सा बोरिंग से लग रहा, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही यहाँ से मतलब अच्छा नहीं लग रहा देखने में, बिल्कुल फटीचर से लग रहा। तो यहाँ से आपको हाफ शू लेना है। ध्यान पर रखिए जब भी आपका कलेक्शन मतलब हाफ पेंट पर आए तो यहाँ से आपको सुबह जो है वो हाफ शू रखना है। फुल शू अगर आप रखते हो तो देखने में बिल्कुल ही फटीचर सा लगेगा। तो यहाँ से आपको मतलब ये वाला हाफ शू आपको रख लेना। कोई भी अगर आप आपके पास बढ़िया सा हाफ शू है तो यहाँ से आप हाफ शू लगा सकते हो, बट ध्यान पर रखिएगा हाफ पेंट के ऊपर फुल शू आप भूल के भी मत लगाओगे, मतलब उससे जो कैरेक्टर का जो पोजीशन है वो थोड़ा डाउन होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखता है, सिंपल ही ऊपर वाला जो इनक्यूबेटर का सेम टू सेम है, बट सिंपल यहाँ से मैंने इसके ऊपर जो है ये होता है रुमाल होता है, मैंने वो डाल दिया, देखने में यहाँ से बिल्कुल ही अच्छा लगता है। यहाँ से दो नंबर पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला कॉस्ट्यूम है तो आप इन तीनों को यहाँ से कंबाइन कर सकते हो और अपने जो कैरेक्टर होता है उसे एक स्टैंडर्ड लुक अच्छे तरीके से दे सकते हो। बात करें ऐसे दूसरी की, तो फिर से मैंने यहाँ पर सेंट्रो का मतलब ब्लैक वाला कैरेक्टर ले लिया। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं दूसरी चीज़ की, आपको दिखा देते हैं यहाँ से मैं कमान करने वाले यहाँ से जो जॉकर है हम लोग का जो इनक्यूबेटर में, इनक्यूबेटर में नहीं मैजिक क्यूब है। तो सॉरी भाई लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से ये वाला जॉकर वाला जो फेस मास्क है ये वाला बहुत सारे लोग पास नहीं है, बट मेरे पास है और बहुत सारे लोगों के पास होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास ही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास ये चीज़ है। तो यहाँ से आपको लेना ये वाला बॉडी, सिंपली आपको जो टैटू वाला बॉडी है आपको ये वाला बॉडी लेना है, यानी कि जो हम लोग का जो इनको ये जो होता है
इसके साथ आपको यहाँ पे टैटू, ये वाला बॉडी लाइन टैटू वाला जो बॉडी होता है ये आपको मतलब परफेक्ट होता है। बट इसके साथ जो पैन के, इसके साथ जो जीन्स की कॉम्बिनेशन करें तो जीन्स का कॉम्बिनेशन इसका आपको ध्यान से करना होगा, ये वाला आपको जीन्स यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो ये वाला जीन्स अगर आप सेलेक्ट करते हो बिल्कुल ही परफेक्ट ऑप्शन होता है। बट इसके साथ आपको शू जो लेना है, शू इसके साथ आप ध्यान पर रखें, शू बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एक मतलब कैरेक्टर को अच्छा लुक देने में और स्टैंडर्ड लुक देने में, उसका जो शू होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लेना है ये रेड वाला शू। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी के साथ उसके पैंट जो है बिल्कुल ही मैच हो गया, बट आपको शू जो है बिल्कुल डिफरेंट और रेड टाइप का दिखता है, तो आप बिल्कुल ही यूनिक लगता है। आप देख सकते हो ऊपर में रेड नीचे में रेड, तो आपको कैरेक्टर जो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड लुक दे रहा है। तो आप देख पा रहे बॉडी में बिल्कुल यहाँ से टैटू बना हुआ, ऊपर से मास्क जो है बिल्कुल ही यहाँ से, तो मास्क तो इसका अलग है ही, सबसे धासु मास्क है। उससे बॉडी आप देख सकते हो इस स्टेप से, नीचे में आपको जो है रेड वाला शू लेना। अगर आपको नहीं मिलता तो आप गोल्ड रॉयल में जाके स्पिन करना, आपको वहाँ से जो है रेड शू मिल जाएगा। यहाँ से बात करें तीसरे चौथे नंबर की, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है। तो इसमें से मैंने कॉम्बिनेशन किया, तो इसमें से मैजिक क्यूब का मैं ज़्यादातर कस्टम यूज़ नहीं किया हूँ, बस दो तीन आइटम्स ही मैंने यहाँ पर से मैजिक क्यूब का यूज़ किया हूँ। तो बहुत सारे लोगों के पास मैजिक क्यूब नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को मिला नहीं। तो अब हम लोग बात कर लें यहाँ वाले ये वाला हेयर स्टाइल की। तो ये वाले हेयर स्टाइल कुछ दिन पहले सबको बहुत लोगों को फ्री में मिला है। तो यहाँ से इसके मुँह पे आपको मास्क डाल लेना है, मास्क नहीं बल्कि ये रुमाल जो होता है ये आपको डाल लेना, ठीक है। उसके बाद के लिए हम लोग ऊपर की, तो ऊपर का मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से आपको कौन सा सेट लगाना, ताकि जो आपका जो कैरेक्टर वो देखने में अच्छा लगे और देखने में बिल्कुल ही प्रो टाइप का लगे। मतलब आपको एक स्टैंडर्ड लुक देना, ऐसा नहीं कि मतलब हो सकता है कि आपका थिंक और मेरा थिंक अलग हो, आपका थिंक और मेरा थिंक ऐसे मैच नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपका जो पसंद है वो थोड़ा सा अलग होता है और मेरा पसंद जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बट आपने पूछा तो आप लोगों ने बताया था, मैंने बोल दिया कि ठीक है बना दूंगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला शर्ट लेना है, या से आपको ये वाला टी शर्ट जो है ये वाला टी शर्ट आपको लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको ये टी शर्ट जो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद बात करें सबसे पैंट की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से आप कौन से पैंट ले सकते हो। तो ये तो नहीं लेना आपको यहाँ, क्योंकि ये वाला बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा था, मतलब सेम टू सेम कलर आ जाता है, यहाँ से आपको वाला नहीं लेना। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से आपको कौन सा पैंट लेना है भाई। तो यहाँ से आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए ये वाला पैंट आप यहाँ से ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसका पैंट के साथ साथ ये जो टी शर्ट आया है और नीचे वाला जो पैंट की बात करती है बिल्कुल ही यूनिक कलर और देखने में बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा, और साथ साथ आपको ऊपर वाला हैट लगा लेना, मुँह पे आपको जो है रुमाल लगाना, इससे आपको जो लुक है बिल्कुल स्टैंडर्ड लगेगा और देख सकते हैं आप मतलब बिल्कुल ही यूनिक सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, और आपको आगे बताता चाहूँगा, कमेंट में बताइएगा इन पाँचों में से आपको, मतलब जितने भी मैं बता रहा हूँ इनमें से बेस्ट आपको कौन सा जो मैंने कॉम्बिनेशन किया, तो कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। उससे बात कर लिया ये वाले की, तो शायद ही बहुत कम लोगों के पास ये वाला मुखौटा होगा, बट ये वॉरियर का है, बट बहुत सारे लोगों के पास होगा। मेरे ख्याल से जिसको इसको मैजिक क्यूब मिला है उसने सबसे पहले मैजिक जोकर का लिया होगा, उसके बाद यहाँ से ये वॉरियर वाला लिया होगा। तो मैंने ऑलरेडी 4 या 5 बता चुका हूँ, उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 3-4 ऑप्शन, दो तीन ऑप्शन मैं आपको और दिखाऊंगा। तो यहाँ पर से आप देख लीजिए कि यहाँ पर से आपके लिए बेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, जो मैं इसमें पहनाऊंगा वो सबको मिला है, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग इलेक्ट पास आया था, इलेक्ट पास में जो फ्री वाला इलेक्ट पास मिला था तो उसमें हम लोग को मिला था ये वाला चीज़, फ्री वाला नहीं, उससे पहले वाला जो इलेक्ट पास आया था ना, नहीं भाई, मतलब ये मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये जो शर्ट है ये शायद सभी लोगों के पास है। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के कि वो कौन सा शर्ट की मैं टी शर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो टी शर्ट लगभग सभी लोगों के पास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली, तो ये वाली जो मेरे ख्याल से टी शर्ट सभी लोगों के पास है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा, मैं इसमें ज़्यादा कंबाइन के नहीं करूँगा, सिंपल सा मैं यहाँ पर से करूँगा। तो यहाँ पर से आपको ये वाला मुखौटा लगाने के बाद आपको ये वाला टी शर्ट पहनना है। टी शर्ट पहनने के बाद आपको पैंट की बात करते हैं, मैं आपको पैंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको हाफ पैंट लेना है, ठीक है, ये वाली पैंट आपको यहाँ से लेना है। तो यहाँ से अब हम लोग बात करें नीचे की, तो यहाँ से हम लोग शू की, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सॉक्स जो है मेरा सॉक्स यानी कि मोजा वो ब्लैक है। तो यहाँ से आपको चूज करना है सबको वाइट, अगर नीचे में आपका ब्लैक होता है ना तो आपको अगर सॉक्स आप सिलेक्ट करो तो रेड या वाइट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से मैंने वाइट सिलेक्ट किया, तो मतलब बिल्कुल ही अलग रहा और देखने में बिल्कुल ही यूनिक लग रहा है। तो नीचे में अगर आपका पैंट हो या फिर सॉक्स हो वो अगर ब्लैक रहता है तो आप वहाँ पर से जो सजेस्ट करो तो आप वाइट या फिर रेड सेलेक्ट करते हो। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही यूनिक सा डिफरेंट लग रहा है, नीचे वाला जो उसका लुक है बिल्कुल ही स्टैंडर्ड टाइप का लग रहा है। तो यहाँ से आप ध्यान पर रखिए कि अगर नीचे में आपको ब्लैक रहे तो यहाँ से रेड या फिर व्हाइट आप ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो इससे आपका जो क्या होता है स्टैंडर्ड, आपका लुक जो है बिल्कुल ही स्टैंडर्ड दिखता है, यानी कि आपका कैरेक्टर जो लुक है वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड दिखता है। भले आप मतलब खेल पाओ सही से या नहीं खेल पाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपका जो लुक है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ से स्कल मास्क की, तो स्कल मास्क का जो कॉम्बिनेशन ही है कुछ अलग टाइप से, क्योंकि यहाँ से स्कल मास्क का जो कॉम्बिनेशन वो परफेक्ट मिलता नहीं है, ठीक है। तो आपको स्कल मास्क के लिए आपको जो बेस्ट बॉडी होता है ये आपको लेना है, यानी कि वेस्ट वाला जो बॉडी होती है आपको लेना है। उसके बाद पेंट के लिए आपको वही भी पेंट एक मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पेंट सेलेक्ट करना है। बट ध्यान पर रखिए स्कल मास्क आप जब भी लगाते हो ना तो आपको ओपन बॉडी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होता है कि स्कल मास्क लगा देता है, मास्क तो मुँह पर लगा देता है ये वाली, बट वो क्या करता है कपड़ा वपड़ा पहना है, तो इससे मतलब उसका जो लुक है बिल्कुल भद्दा सा रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ये बॉडी वाला कोई भी अगर आपको बॉडी वाला कॉम्बिनेशन आपका जो कॉस्ट्यूम है तो आप
लगा सकते हो, उसके साथ ही साथ इसमें आपको हाफ पैंट लगाना है, क्योंकि बॉडी के साथ अगर हाफ पैंट का कॉम्बिनेशन होता है ना तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मतलब हाफ पैंट में क्या बोलता है ये जब मतलब बॉडी पे हाफ पैंट जो है ज़्यादा सूट करता है। अगर फुल पैंट अगर आप पहन लेते हो जींस तो वो मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, थोड़ा सा भद्दा टाइप का लगता है क्योंकि आपको ऊपर बॉडी तो खुला हुआ रहता है और नीचे में आपको पूरा मतलब ढका हुआ रहता है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है। बट आपका थिंक क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नीचे में आपको एक हाफ वाला जो कोई भी अच्छा सा शू आपको यहाँ से लगा लेना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दिया बेस्ट कॉम्बिनेशन की जो टॉप 5 थी मेरे मोस्ट लिस्ट में, तो आपको बता दिया। अब बात करें थोड़ा सा लास्ट में एक और आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आपको सिलेक्शन करने में अच्छा हो। बट कमेंट में श्योरली बताइएगा कि यहाँ से आपको कौन सा जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा। और साथ ही साथ अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी चीज़ का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस लास्ट में मैं आपको फिर से दिखाने वाला रेड हेयर का जो रेड हेयर स्टाइल जो हम लोग का इसका एक कॉम्बिनेशन, जो रेड हेयर बहुत सारे लोगों के पास है और इसका कॉम्बिनेशन जो सिंपल सा है तो मैं आपको सिंपल से दिखा सकता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला जैकेट जो आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपकी ये वाला जैकेट सेलेक्ट करना। तो आप देख सकते हैं इस हेयर के साथ जो ये वाला जैकेट मतलब बिल्कुल अच्छा सूट कर रहा है, क्योंकि हेयर स्टाइल एक बिल्कुल यंग लोगों के लिए है, तो यंग लोगों के लिए ये वाला जो जैकेट होता है ये बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। और जैकेट के साथ आपके इसके साथ का पैंट है तो वो आपके लिए परफेक्ट होता है। बहुत सारे लोग पूछेगा भाई ये जैकेट आपको कहाँ से मिला, तो ये डायमंड रॉयल में स्पिन करने से ये मिलता है। तो ये मतलब बार बार निकल जाता जब मन तब निकल जाता, क्योंकि मैंने जब भी स्पिन करा तो फालतू की चीज़ में ये वाला आइटम निकल जाता। तो यहाँ से आपको पेंट जो लेना है ये आपको पेंट लेना है इसके साथ का। तो आप देख सकते दोनों का जो कॉम्बिनेशन सेम है, यानी कि शर्ट भी जैकेट भी सेम है, उसका पेंट जो आया है साथ का यानी कि इसका सेट का। तो आप देख सकते इसका कॉम्बिनेशन इसका भी मतलब बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर से स्टैंडर्ड लुक इसको दे रहा है जो एक करेक्टर को देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है। उसके बाद कर ऐसे हम लोग शू की, तो शू आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ आप यहाँ से मुंह पे इसका जो अगर रुमाल डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, इससे आपको कैरेक्टर का लुक जो है बिल्कुल और ही अच्छा लगता है। तो यहाँ से आपको रेड शू लेना, नीचे के लिए आपको रेड शू देख सकते हैं, ऊपर में हेयर जो रेड और नीचे में आपको शू भी रेड होना चाहिए। और साथ ही साथ पेंट यहाँ पर से ब्लू है, इसके हिसाब से यहाँ पर जो रेड शू है वो बिल्कुल इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आज की वीडियो में इतना सही बताना था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।